भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यामंडल कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। इसमें जो पहला टॉपिक है प्रत्यास्था इलास्टिसिटी से क्या समझते हो, इसके बारे में डिस्कसिंग करेंगे आज हम। इसके लिए प्रकृति में पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल आरोपित करने पर उनके आयतन कौमा आकार या रूप या दोनों में परिवर्तन हो जाता है तथा बाह्य बल को हटा लेने पर वे अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण कर लेती हैं, तो इस बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं। अतः बाह्य बल की उपस्थिति में वस्तुओं के आयतन आकार या रूप या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो उस समय उनकी अणुओं में सापेक्षिक विस्थापन हो जाने के कारण वस्तुएं स्वयं में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हैं, अर्थात पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करती हैं। अतः यही कारण है कि बाह्य विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। वस्तुओं के इस गुण को ही प्रत्यास्था कहते हैं तथा जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। अतः प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वही गुण है जिसके कारण वह वस्तु बाह्य विरूपक बल के कारण स्वयं के आयतन कौमा आकार या रूप या दोनों में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेती है, तो वस्तु के इस प्रकार के गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे हम किसी रबड़ की डोरी को दोनों हाथों से खींचते हैं तो वह लंबाई में बढ़ जाती है तथा जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार लोहे की आरी को मुड़ने पर मुड़ जाती है तथा छोड़ने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेती है। इसके बाद है प्रत्यास्था के अगला टॉपिक है प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुएं निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं। नंबर ए प्रत्यास्थ वस्तुएं, बी जिन्हें इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, बी अप्रत्यास्थ वस्तुएं जिन्हें इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, और सी होती हैं सुगट या प्लास्टिक वस्तुएं, सी होती है भंगुर वस्तुएं। तो पहली बात पहली वस्तुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में। वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल विरूपक बल आरोपित करने पर विकृत हो जाती हैं तथा विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं आती हैं, तथा जो वस्तुएं अपनी पूर्णतापूर्ण अवस्था को ग्रहण कर लेती हैं वे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्थ वस्तु में होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे रबड़ कौमा लोहा कौमा सोना कौमा इस्पात कौमा क्वार्टज एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से क्वार्टज को लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है, परंतु प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। इसके बाद है विभाग अप्रत्यास्थ वस्तुएं जिन्हें इन इलास्टिक बॉडीज कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती हैं, अर्थात विरूपक बल को हटा लेने पर ये वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण नहीं करती हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं को अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक या सुगट वस्तुएं कहते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अप्रत्यास्थ वस्तु में होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है। अप्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे गीली मिट्टी मोम साबुन प्लास्टिसिन आदि। अप्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण हैं, इनमें से गीली मिट्टी को लगभग पूर्ण अप्रत्यास्थ माना जाता है, लेकिन प्रकृति में ये देखा गया कि व्यवहार में ना तो कोई वस्तु पूर्णता अप्रत्यास्थ है और ना ही पूर्णता प्लास्टिक है। सीमा है भंगुर वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर वो कई भागों में टूट जाती हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं को भंगुर वस्तुएं कहते हैं।
जैसे कांच पर बार बार आरोपित करने पर कांच कई भागों में टूट जाता है, अतः कांच भंगुर वस्तुओं के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं। नंबर ए प्रत्यास्थ वस्तुएं, बी जिन्हें इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, बी अप्रत्यास्थ वस्तुएं जिन्हें इनइलास्टिक बॉडीज कहते हैं, और सी होती हैं सुगट या प्लास्टिक वस्तुएं, सी होती हैं भंगुर वस्तुएं। तो पहली बात पहली वस्तुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में। वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल विरूपक बल आरोपित करने पर विकृत हो जाती हैं तथा विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था को ग्रहण कर लेती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं आती हैं, तथा जो वस्तुएं अपनी पूर्णतापूर्ण अवस्था को ग्रहण कर लेती हैं वे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्थ वस्तु में होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे रबड़ कोमा लोहा कोमा सोना कोमा इस्पात कोमा क्वार्ट्ज एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से क्वार्ट्ज को लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है, परंतु प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। इसमें इसके बाद है विभाग अप्रत्यास्थ वस्तुएं जिन्हें इन इलास्टिक बॉडीज कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती हैं, अर्थात विरूपक बल को हटा लेने पर ये वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था को ग्रहण नहीं करती हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं को अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक या सुगट वस्तुएं कहते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अप्रत्यास्थ वस्तु में होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है। अप्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे गीली मिट्टी मोम साबुन प्लास्टिसिन आदि। अप्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण हैं, इनमें से गीली मिट्टी को लगभग पूर्ण अप्रत्यास्थ माना जाता है, लेकिन प्रकृति में ये देखा गया कि व्यवहार में ना तो कोई वस्तु पूर्णता प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्णता प्लास्टिक है। सीमा है भंगुर वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर वो कई भागों में टूट जाती हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं को भंगुर वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच पर बार बार आरोपित करने पर कांच कई भागों में टूट जाता है, अतः कांच भंगुर वस्तुओं के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ अगला टॉपिक प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोप करते तो वस्तु विकृत हो जाती है, परंतु विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु पूर्वावस्था को ग्रहण कर लेती है, अतः वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म विरूपक बल की एक विशेष मान तक ही रहता है, अर्थात वस्तु पर आरोपित बल का मान विरूपक बल का मान उसके विशेष मान से अधिक हो जाता है तो उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है। अतः किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य विरूपक बल का वही अधिकतम मान जिसके अंतर्गत उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म बना रहता है तथा जिससे और अधिक मान का विरूपक बल आरोपित करने पर उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म नष्ट हो जाता है समाप्त हो जाता है, अर्थात तो वस्तु पर आरोपित बाह्य विरूपक बल के इस अधिकतम विशेष मान को ही उस वस्तु की पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। थैंक यू। इसके बाद अगले टर्न पर आपको से डिस्कसिंग किया जाएगा। धन्यवाद।